रीना गुप्ता, क्या बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को तो इस अलायंस के 2024 तक टिके रहने पर भी संदेह है। वो खुलेआम अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि अगर बचा रहा 2024 तक तब बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे कि बचेगा 2024 तक या नहीं बचेगा, क्योंकि बयानबाजियां तो बड़े गंभीर संकेत दे रही हैं। नहीं गरिमा जी, जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं, चाहे केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया गठबंधन साथ रहेगा और साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। इस समय जो है वो स्टेट लेवल के चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कोई गठबंधन नहीं है, स्टेट लेवल पे सारी पार्टियां मजबूती से अपना अपना प्रचार कर रही हैं। आप देखिए ना कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं होता तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई की एक्टिविटी बढ़ी है वो नहीं बढ़ी होती। अब आप देखिए कि इनको पता है कि जो भी मोदी जी ने बातें करी थी, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, 100 बुलेट ट्रेन, 1000 स्मार्ट सिटी, वो सब सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। तो उसका काट इन्होंने क्या निकाला है कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को ईडी और सीबीआई से गिरफ्तार करवाइए। अभी कोशिश जारी है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें, उसके बाद हेमंत सोरेन जी का नंबर आने वाला है, फिर सुना है कि वहां पे टीएमसी की ममता बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी का नंबर आने वाला है, उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कुछ लोगों का नंबर आने वाला है। तो अगर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं होता तो ईडी और सीबीआई की इतनी एक्टिविटी आप नहीं देखते। इंडिया गठबंधन मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, लेकिन ये कैसी मजबूती है रीना गुप्ता कि आप डायस पर कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, बेंगलोर में भी खड़े हुए, सबने देखा बैठे हुए अरविंद केजरीवाल को, वो तो लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन हो रहा था, इंडिया अलायंस की शक्ल इख्तियार हो रही थी, बेंगलोर में जुटे, मुंबई में जुटे और फिर बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस लुटेरी पार्टी है, 75 साल लूटा, इतना लूटा कि 7 पुश्तें खाएंगी बैठकर। देखिए अब स्टेट लेवल पे तो जब चुनाव प्रचार होता है महिमा जी, हाँ। तो सब अपनी अपनी बयानबाजी करते हैं, तो ये सारी तो दोहरा चेहरा हुआ ना रीना गुप्ता, यही मानिए फिर जनता समझ रही है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सारी पार्टियां अपनी अच्छी बातें बताती हैं और दूसरी पार्टियों की कमजोरियां बताती हैं। इसमें तो सारी पार्टियों को आप देख लीजिए, जितनी पार्टी आपके पैनल पे हैं, सब लोग यही काम करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश के करोड़ों लोग जो इस समय हताश महसूस कर रहे हैं, जिनको ये सब्ज पुलाव दिखाए गए थे कि देश का कायाकल्प हो जाएगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, सिलेंडर फ्री में मिलेगा, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, वो तो आपने भी कहा ना रीना गुप्ता, आपने भी कहा कि भाई कोई भी त्याग करना पड़े तो करेंगे, यही राग आपने मुंबई में अलापा, तकरीबन यही बेंगलोर में अलापा, इंक्लूसिव भी शब्द इसीलिए शामिल किया गया, समाज सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन विधानसभा चुनावों ने पोल पट्टी तो खोल दी कि कौन किसको लेकर भीतर से क्या सोचता है। राजीव रंजन,